नमस्कार, चलिए जानेंगे मध्य प्रदेश के मौसम का हाल। तो मध्य प्रदेश में 25 से 26 फरवरी को फिर से स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इस वजह से भोपाल, जबलपुर समेत 29 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी और बादल छाए रहेंगे। वहीं इंदौर, उज्जैन में मौसम साफ रहने का अनुमान है। इससे पहले 23 और 24 फरवरी को भी बादल छाए रहेंगे। जेट स्ट्रीम की वजह से ठंडक रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि अभी छत्तीसगढ़ के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव है। वहीं ट्रफ लाइन भी गुजर रही है और इस वजह से बंगाल की खाड़ी से प्रदेश में नमी आ रही है और इससे हल्की बारिश का दौर जारी है। उत्तर भारत में 24 फरवरी की रात से एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है और इसका असर 25 फरवरी से प्रदेश में दिखाई देने लगेगा। 26 फरवरी को सिस्टम का असर ज्यादा रहेगा। सिस्टम से पहले भी प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश का दौर जारी है। गुरुवार को दमोह और सीधी में हल्की बारिश हुई। जेट स्ट्रीम की वजह से प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार को दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। भोपाल में दिन का तापमान 27.7 डिग्री रहा। वहीं एक ही दिन में 3.2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इंदौर में 27.8 डिग्री, ग्वालियर में 26.7 डिग्री, उज्जैन में 29 डिग्री और जबलपुर में अधिकतम पारा 28.4 डिग्री दर्ज किया गया है।